दोस्तों, कभी सोचा है कि 60 साल से पेंसिल मार्केट को रूल करने वाली कंपनी नटराज को किसी ने थोड़े से टाइम में कैसे बीट कर दिया? अजीब बात है, जो कंपनी इंडियन स्टेशनरी मार्केट का 50% शेयर होल्ड करती है उसकी कोई नींद कैसे उड़ा सकता है? क्योंकि नटराज पेंसिल 2012-13 तक हर बच्चे के पास देखने को मिलती थी और ब्रांड परसेप्शन इतना तगड़ा था कि लोग ट्रस्ट और फैमिलियरिटी के साथ इसे खरीदते थे। मुझे याद है, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नटराज का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ला कर दिया था। यानी बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी इस ब्रांड पर ट्रस्ट करते थे। पर अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब बच्चों के पास नीली पीली रंग बिरंगी पेंसिल्स देखने को मिलती है। नटराज को अब बच्चे उतना पसंद नहीं करते जितना नई पेंसिल्स को करते हैं। वेल, ये तो जानेंगे ही कि इन पेंसिल्स को बना कौन रहा है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्होंने नटराज से अलग क्या किया, ये मार्केट में जल्दी से कैसे फैल गए और इतना लेट आने के बाद भी इन्होंने 30% स्टेशनरी मार्केट कैसे कैप्चर किया, और सबसे बड़ी बात, नटराज ने कहां पर गलती की जो ये नई कंपनी इनसे इतना आगे निकल गई। तो इन सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं और अब बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंसिल स्कूल मेमोरीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और जब भी पेंसिल की बात होती है तो एक रेड और ब्लैक कलर की पेंसिल सबसे पहले दिमाग में आती है, जिसे हम नटराज के नाम से जानते हैं। पहले के टाइम में हर बच्चे के स्कूल बैग में ये देखने को मिलती थी। वेल, जो कंपनी इस पेंसिल को बनाती है उसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। उस टाइम सुई से लेकर रेलवे लाइंस तक सब कुछ फॉरेन से इंपोर्ट होता था और पेंसिल भी उन्हीं इंपोर्टेड चीजों में से एक थी। उस टाइम इंडिया में भी पेंसिल्स बनती थी पर उतनी सेल नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पेंसिल इंपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। पर प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली थी नहीं, क्योंकि अब लोगों को लोकल पेंसिल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। पेंसिल्स कमजोर और एक्सपेंसिव दोनों थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1958 में तीन दोस्तों ने, बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और सुकानी, इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान पेंसिल्स की शुरुआत की। और पेंसिल मेकिंग का बिजनेस सीखने के लिए ये तीनों जर्मनी गए थे। फिर वहां से वापस आकर इन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया, जो था नटराज पेंसिल। इस पेंसिल की क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी रीजनेबल था। धीरे धीरे ये लोगों को पसंद आने लगी और बहुत पॉपुलर भी हो गई। अब कंपनी ने सोचा कि अफोर्डेबल कैटेगरी में तो ये पेंसिल है ही, तो क्यों ना प्रीमियम कैटेगरी में भी कुछ बनाया जाए। और ऐसे 1970 में इन्होंने एक और नई पेंसिल अप्सरा नाम से लॉन्च कर दी। अब ये नटराज से थोड़ी एक्सपेंसिव थी और इसकी मार्केटिंग भी एज ए ड्रॉइंग पेंसिल की गई थी। बाद में इन्होंने अप्सरा की नॉर्मल राइटिंग वाली पेंसिल भी लॉन्च की, जिसे ब्यूटीफुल और क्लियर हैंडराइटिंग के लिए लोग खरीदने लगे। तो ऐसे इन्होंने दोनों पेंसिल सेगमेंट को कवर कर लिया। अब पेंसिल के बाद 2007 में इन्होंने नटराज पेंस भी इंट्रोड्यूस किए और आज अगर देखें तो ये पेंसिल्स, शार्पनर्स, इरेजर्स, स्केल्स, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पेंसिल कलर्स सब कुछ बनाते हैं। इस कंपनी की इंडिया में 10 फैक्ट्रीज है, जहां ये डेली 85 लाख पेंसिल्स, 17 लाख शार्पनर्स, 27 लाख इरेजर्स, 3 लाख स्केल्स और 10 लाख पेंस मैन्युफैक्चर करते हैं। और इन सब में जो मटेरियल यूज होता है, लाइक शार्पनर ब्लेड, पेन टिप, पेन लेड, ये भी खुद ही बनाते हैं ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। प्रॉफिट की बात करें तो ईयर 2017 में इन्होंने 822 करोड़ की सेल की थी, जिसमें से आफ्टर टैक्स प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ था। यानी देखा जाए तो स्टेशनरी आइटम्स पर मार्जिन बहुत कम होता है और कारण भी साफ है, क्योंकि एक पेंसिल पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर रिटेलर्स का भी मार्जिन होता है और एंड में वो पेंसिल सिर्फ 4-5 रुपए में सेल होती है। यानी अगर इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट निकालना है तो एक तो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना पड़ेगा और दूसरा कॉम्पिटिटर से भी आगे रहना पड़ेगा। अब ये दोनों ही चीजें नटराज और अप्सरा की पेंसिल्स कर रही थी। इन्होंने 47 साल तक कैमलिन जैसी ब्रांड से कम्पीट किया। इनके प्रॉफिट मार्जिन हाई रहे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तगड़ा रहा, बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स पर ये नंबर 1 पर रहे। पर ये सिलसिला ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि 2005 में स्टेशनरी मार्केट में डॉम्स एंटर हो चुका था। अब तक इंडिया की 4000 करोड़ की स्टेशनरी मार्केट दो फैमिलीज कंट्रोल कर रही थी, हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन। पर अब यहाँ तीसरा बड़ा प्लेयर आ चुका था और डॉम्स ने आते ही 35% मार्केट कैप्चर कर लिया। 2022 की बात करें तो हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन ने 500-500 करोड़ का रेवेन्यू किया था और उसी साल डॉम्स ने 700 करोड़ का रेवेन्यू किया। हैरानी की बात है ना, और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इतने कम टाइम में बच्चे नटराज से डॉम्स पर स्विच कैसे हो गए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने मार्केट कैसे कैप्चर किया। मार्केट में एंटर होते ही इन्होंने 5 चीजों पर काम किया। सबसे पहले प्रोडक्ट इनोवेशन। डॉम्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो कस्टमर विल लव इट, बाय मोर एंड रेकमेंड इट टू देयर फ्रेंड्स। इसीलिए प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने नटराज और अप्सरा से कुछ अलग किया। अब तक मार्केट में पेंसिल लिड ग्रेफाइट और क्ले से बनती थी, पर डॉम्स ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। इन्होंने पेंसिल लिड को बनाने के लिए ग्रेफाइट और पॉलीमर को मिक्स किया, ताकि लिड पहले से ज्यादा स्मूथ हो सके और पेंसिल मक्खन की तरह चले।
और इस पेंसिल को बनाने का पर्पस भी यही था कि बच्चों का राइटिंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो सके। फिर इसके बाद इन्होंने पेंसिल की बॉडी भी चेंज की। अब तक नटराज और अप्सरा की पेंसिल्स ही मार्केट में मौजूद थी और वो सर्कुलर थी, तो बच्चों को ऑब्वियसली ग्रिप में प्रॉब्लम आती थी। अब ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी थी, पर डॉम्स ने इसे सीरियसली लिया और बना दी एक ट्रायंगुलर पेंसिल। एंड गेस व्हाट, ये पेंसिल मार्केट में स्टैंड आउट कर गई। बच्चों को ये पेंसिल बहुत पसंद आने लगी और इसका कारण था बेटर ग्रिप, जिसकी वजह से अब बच्चे 4-5 घंटे तक बिना किसी प्रॉब्लम के राइटिंग कर सकते थे। दूसरी चीज जो इन्होंने चेंज की वो थी अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। पहले ये समझो कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे 3 लोगों का हाथ होता है, इन्फ्लुएंसर, परचेजर एंड यूजर। इन्फ्लुएंसर मतलब जो हमें प्रोडक्ट खरीदने की एडवाइस देता है, परचेजर मतलब जो पैसे देता है, और यूजर मतलब जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो अगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स ही इन्फ्लुएंसर और परचेजर होते थे और हम बच्चे यूजर होते थे। यानी हमारे पेरेंट्स ने जिस ब्रांड का ज्योमेट्री बॉक्स लाके दे दिया, हमें वही रखना पड़ता था। ज्यादा पसंद ना पसंद नहीं कर सकते थे, और अगर करते तो पिटाई और हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, परचेजर अभी भी पेरेंट्स है, पर इन्फ्लुएंसर अब वो बच्चा खुद है। अब जो पेंसिल बच्चा कहता है वही पेंसिल पेरेंट्स को खरीदनी पड़ती है, और ज्यादातर बच्चे तो खुद साथ जाकर सुपरमार्केट या शॉप से अपनी मर्जी की पेंसिल्स और स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके फ्रेंड्स। जो भी पेन, पेंसिल या इरेजर वो अपने दोस्त के पास देखते हैं, अब इनको एग्जैक्ट वही चीज चाहिए और पेरेंट्स को ये चीजें मजबूरन दिलानी पड़ती है। थर्ड है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जब डॉम्स राइज कर रहा था तो उसी टाइम इंडियन स्टेशनरी मार्केट में 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आए, जिनका नाम था फेबर कैसल एंड कोहिनूर। अब इन्होंने मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया, बोथ इन क्वालिटी एंड प्राइस। पर डॉम्स पर इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डॉम्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों टॉप नोच थी। ब्रांडिंग की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स में 3-4 खास बातें थी। पहली, डॉम्स अपनी पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स सब कुछ कलरफुल बनाता है। हर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मौजूद होता है। दूसरा, ये अपनी पेंसिल्स, इरेजर्स और इवन बॉक्स भी ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, जिससे इनका प्रोडक्ट पूरी मार्केट में इंस्टेंटली स्टैंड आउट कर जाता है। तीसरा, इनके इरेजर्स वगैरह में एक स्वीट सी स्मेल भी होती है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और बच्चे फिर उस एक्सपीरियंस के बारे में बाकी दोस्तों को भी बताते हैं, जिससे डॉम्स की फ्री वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी हो जाती है। और इसी मार्केटिंग की वजह से ही इनकी ऑर्गेनिक सेल्स ही इतनी हो जाती है कि इन्हें एड्स वगैरह की खास जरूरत ही नहीं पड़ती। फोर्थ है सेलिंग इन बंडल्स। डॉम्स को ये पता है कि सिर्फ एक सिंगल 2 या 5 रुपए की पेंसिल बेच के वो पैसे नहीं कमा सकते, इसीलिए इनका फोकस होता है बंडल सेलिंग पर। और ये कोई नई चीज नहीं है, मैकडॉनल्ड ये बहुत सालों से कर रहा है। अगर आप मैकडॉनल्ड पर जाकर एक महाराजा मैक ऑर्डर करते हो तो आपको वो कहेंगे सर आप साथ में फ्राइज भी ले लो। फिर आप फ्राइज लोगे तो कहेंगे वेल अगर आप इसके साथ ड्रिंक भी ऐड करवा लो तो पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे और आपकी मील भी बन जाएगी। यानी ये एक ट्रिक होती है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट के साथ सेल किए जाते हैं, और डॉम्स ये ट्रिक अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले समझ गया। इसीलिए इन्होंने स्मार्ट ड्राइंग किट और आर्ट किट्स जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की और उसकी प्राइस रखी 350 से 500 के बीच में, ताकि अच्छा खासा मार्जिन भी बन सके। ऑल्दो इनका मेन रेवेन्यू तो 5 रुपए वाली पेंसिल से ही आता है, पर फिर भी स्टेशनरी मार्केट की ये इतनी डेप्थ में जा चुके हैं कि बाकी आइटम्स अगर थोड़े से भी सेल हो तो भी ये काफी मार्जिन निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान पेंसिल्स की बात करें तो 2015 में इनका प्रॉफिट 9 करोड़ था, जो 2018 में सिर्फ 1 करोड़ रह गया। वहीं डॉम्स का प्रॉफिट 2014 में 13 करोड़ था, जो 2017 में 26 करोड़ के पार पहुंच गया। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि बाकी पेंसिल ब्रांड्स के मुकाबले डॉम्स के पास इस टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और इसीलिए ये सबसे आगे है। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। डॉम्स को 2 साल लगे ये फिगर आउट करने में कि इंडिया में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है। आज डॉम्स के पास अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और मुंबई जैसी जगह पर 1000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं और 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे कि हमने बात की कि डॉम्स मार्केटिंग पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि ये अपना पैसा लगाते हैं सेल्स, R&D और पीपल मैनेजमेंट पर, और इसी के चलते इन्होंने एक बड़ा सेल्स नेटवर्क बिल्ड कर दिया जो अनकन्वेंशनल और फ्यूचरिस्टिक दोनों है। डॉम्स के आने से पहले बाकी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बड़े हिडन से होते थे, और डॉम्स ये चेंज करना चाहता था। इसीलिए इन्होंने एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल पार्टनर्स एक फैमिली की तरह काम करें। और इसीलिए आज इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे कोई छोटा सा विलेज हो, बस्ती हो या बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी, डॉम्स की रंग बिरंगी पेंसिल्स हर जगह बच्चों के पास देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब समझते हैं कि नटराज इस दौड़ में पीछे कैसे रह गया। 65 साल से नटराज इंडिया की स्टेशनरी मार्केट में रूल कर रहा है, और शायद इन्हें लगा कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, तो इन्होंने इनोवेट करना ही बंद कर दिया। मेजर इनोवेशन जो इन्होंने की थी वो थी अप्सरा पेंसिल को लॉन्च करना, और उसे भी 35 साल हो चुके थे जब तक डॉम्स मार्केट में आया। इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी चीज को इम्प्रूव नहीं किया, और इसी गैप का डॉम्स ने फायदा उठाया।
डॉम्स ने मार्केट में एंटर होते ही जल्दी से प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया और ये मार्केट में छा गए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जो काम नटराज 35 साल से नहीं कर पाया वो इन्होंने कुछ ही टाइम में कैसे कर दिया। तो देखो, डॉम्स ऑफिशियली तो इंडियन मार्केट में 2005 में लॉन्च हुआ, पर स्टेशनरी इंडस्ट्री में ये पिछले 30 साल से काम कर रहे थे। इससे पहले ये किसी और ब्रांड के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो इंडस्ट्री और मार्केट नॉलेज तो इन्हें पहले से ही थी, और फिर इन्होंने कस्टमर पेन पॉइंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स ये सब मार्केट में आके समझ लिया। तो इसी वजह से ये बहुत ही कम समय में कैमलिन, अप्सरा और नटराज को बीट कर गए। पर अगर यही चेंजेस और इनोवेशन नटराज वाले कर देते तो डॉम्स के लिए इन्हें बीट करना तो दूर, मार्केट में एंटर होना भी मुश्किल हो जाता। क्योंकि नटराज के पास बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और वो है ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट की वजह से ही ये बिना इनोवेशन के भी 50% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नटराज की कहानी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप अभी भी स्कूल में होते तो कौन सी पेंसिल को प्रेफर करते, और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी चाइल्डहुड मेमोरीज ताजा हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई मजेदार वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।